जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती है रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे देशवासियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पंक्तियां हम में से हर एक ने अपने जीवन काल में अवश्य सुनी होंगी, पर क्या आप जानते हैं इसकी रचना किसने की है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, इसकी रचना हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। और आज मैं सांडी सिंह इन्हीं की कालजय कृति भारत भारतीय के कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आने वाली पंक्तियों में कवि ने भारत के पुरातन यश व वैभव के बारे में बताया है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। हाँ, वित्त भारत वर्ष ही संसार का सिर मौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधने ज्ञान सृष्टि का पहले ही विस्तार है, यह ठीक है पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्व वृद्ध भारत वर्ष है, जा कर विवेकानंद सम कुछ साधुजन इस देश से, करते उसे कृतकृत्य है अब भी अतुल उपदेश से, वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में है बढ़ रही, संसार की स्वाधीनता की सीढ़ियों पर चढ़ रही, ये तो कहें उन्हें शक्ति प्राप्त कब कैसे हुई, यह भी कहें यह दार्शनिक चर्चा वहां ऐसे हुई, यूनान ही कह दे कि वे ज्ञानी गुणी कब था हुआ, कहना न होगा हिंदुओं का शिष्य वह जब था हुआ, हमसे आलोकिक ज्ञान का आलोक यदि वह पाता नहीं, तो वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं, संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक है, नीचा दिखाकर रूस को भी जो हुआ निशंक है, जापान जो वर्धक हुआ है एशिया के हर्ष का, है शिष्य वह जापान भी इस वृद्ध भारत वर्ष का, यूरोप ही जो बन रहा है आज कल मामिक्रमा, ये तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना, था हिंदुओं का शिष्य ईसा ये पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साचे में ढला, अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संवत यहाँ, है किंतु आरों का उदय इतना पुराना भी कहा, ईसा मोहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता, कभी की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता, कभी की हमारी सभ्यता है कौन सकता है बता। धन्यवाद।